बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंची और यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन की और पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा कंगना रनौत ने राम मंदिर के हो रहे निर्माण का अवलोकन भी किया और परिसर में अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस का प्रमोशन भी किया। दरअसल कंगना रनौत यहां अपनी आने वाली फिल्म तेजस की सफलता की कामना को लेकर पहुंचे। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद कंगना ने राम मंदिर का निर्माण कर रहे लोगों का हालचाल भी जाना। कंगना ने कहा कि अयोध्या आज सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र होगा। दर्शन करने के बाद राम मंदिर प्रबंधन की तरफ से कंगना रनौत को राम लिखे थैले में प्रसाद भी दिया गया और कंगना ने राम मंदिर VIP गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया। कंगना ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है, ये सौभाग्यपूर्ण दिन हमारे जनरेशन को देखने को मिल रहा है। कितने सारे हमारे कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए जान दे दी। आगे कहा कि राम मंदिर हमारे देश का भव्य चिन्ह बनेगा, पूरे विश्व ने हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक बनेगा। ये दिन 22 जनवरी को आ रहा है जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। मेरी फिल्म तेजस में भी राम मंदिर की भूमिका है जो भारतीय वायुसेना पर आधारित है, उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कंगना ने कहा कि आखिरकार इस भूमि पर हमारे सबसे बड़े नायक और हमारे पूजनीय श्री राम पैदा हुए हैं और उनकी जन्म भूमि है। यहाँ सीता जी की रसोई है, राजा दशरथ का महल है। जिस जमीन से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना की फिल्म तेजस काफी चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म का हाल ही में टीजर जारी किया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब मेकर्स की तरफ से कंगना के फैंस के लिए फिल्म का एक और टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में दिख रहा है कि अयोध्या मंदिर पर टेरर अटैक होने वाला है। कंगना राम मंदिर को अटैक से बचा रही हैं। तो वहीं फिल्म की बात की जाए तो तेजस का प्रोडक्शन RSVP ने किया है, वहीं डायरेक्शन सर्वेश मेवाड़ा ने की है, उन्होंने ही फिल्म की कहानी लिखी है। कंगना रनौत फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी और फिल्म में रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूसर्स के तौर पर शामिल है। तेजस 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।